ये देखिए हमारे मसाला पूड़ी बनके तैयार हुई है। ब्रेकफास्ट की बहुत ही अच्छी रेसिपी, सिंपल भी है, इजी भी है, लेकिन खाने में लाजवाब। आप हमने मीठी चटनी के साथ सर्व किया है, आप सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, दही रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही। और इसका प्रोसेस आगे हम वीडियो में देखें। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा रश्मि खजाना में एक आलू सूजी पूरी बनाने जा रही हूँ। मसालेदार मसाला आलू सूजी पूरी है, तो उसमें सूजी का प्रयोग होगा, आलू का प्रयोग होगा, आटे का प्रयोग होगा, गेहूँ के आटे का। तो मैंने एक आलू बड़ा था उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, लम्स रहेगी तो पूरी अच्छी नहीं बनेगी। और इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स से चटपटापन आएगा। और थोड़ा ये अजवाइन डालेंगे, थोड़ा आटा डालेंगे गेहूँ का अंदाज से, और ये सूजी है थोड़ी सी, उसको मैंने दही के साथ उसको फूलने रख दिया था, तो उसको भी इसमें मिला लेंगे। और ये हरा धनिया, हरा धनिया भी डालेंगे, क्योंकि ये चटपटी बन रही है, तो चिली फ्लेक्स अच्छे से डालें। और थोड़ी सी हल्दी डाल दिए, हल्की सी नमक डाल दिए, बहुत तेज नहीं डालेंगे। और इन सब चीज़ों को मिला के एक टाइट डो बना लेंगे। तो उसमें सूजी डाला, सूजी को दही में थोड़ा सा देर तक उसमें भिगा के रख दिया जिससे वो फूल जाए, उसको इसमें डालेंगे। एक आलू बड़ा बॉइल्ड मैश करके डाला, आटा डाला अंदाज से, चिली फ्लेक्स डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, हरी धनिया डाली, सब चीज़ मिला के, थोड़ी सी अजवाइन, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब इस पूड़ी के आटे को टाइट डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद इसकी पूड़ी से गर्मा गर्म तलिए, बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से कुरकुरी, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट बनती हैं। अब इसको आप गर्मा गर्म चटनी के साथ, अचार के साथ खाइए। और ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत आसान और बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए, इसको सारे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब हम भूल गए थे इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी, और इसके साथ खूब सॉफ्ट आटा कर लेंगे। इसमें चूंकि नमक है तो वो पिघलेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, और खूब हाथ से मसल के अच्छा सा डो बना लेंगे। ज़रा सा इसमें एक चम्मच और वो रिफाइंड ऑयल भी डाल देंगे। ये देखिए, अब इसी तरह से इसकी पूड़ियाँ बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको डीप फ्राई कर लेंगे, और उसको फिर हम चटनी के साथ सर्व करिए। इंजॉय कीजिए ब्रेकफास्ट में, चाहे जैसे आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, आलू टमाटर की किसी भी चीज़ की सब्जी के साथ। मेरी मसाला पूड़ी बन के तैयार है, आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।